हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विथ प्रीति। आज आम मैंने ज्योग्राफी गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा। ओके, थ्योरी कॉन्टिनेंट है कौन? आम कॉन्टिनेंट हूँ आम महादेश महाद्वीप। ओके, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मैंने धीर बा स्लो स्लो गति कर जिनस, जो आम कॉन्टिनेंट सब रही किपर भाव में धीरे धीरे गति कर स्टोरी आम पढ़िया। बहुत इम्पोर्टाट, बहुत 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 इम्पोर्टाट टॉपिक। जब ये टॉपिक हमें न बुझीपर आगे आम बुझीपर ना। ओके, बहुत सारा टॉपिक। ओके, एक आम जब देखा ये कौन है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यार मतलब कौन, ये कौन आचुअल कॉन्टिनेंट मूव करुच्छे, यार अर्थ हूँ कॉन्टिनेंट मूव करुच्छे, स्लो स्लो मूव करुच्छे, बट मूव करुच्छे कौन हो जो सब तो आम बर्तमान आम जिते कॉन्टिनेंट आम देखुचे वर्ल्ड मैप को जो भाव में देखुचे, ये आम एशिया, एशिया पर यूरोप, आफ्रिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तले आम रही आंटार्कटिका। ओके, जहाँ कि बरफ में ढकी रही भाव में आम कॉन्टिनेंट को देखुचे कि कौन सब अलग अलग है। ये आम पैसिफिक, सॉरी आंटार्कटिक ओशन, ये आम पैसिफिक ओशन, एपटे इंडियन ओशन एटी। ओके, यहीपर भाव में बड़ बड़ उपर आर्कटिक ओशन, बड़ बड़ महासागर मान देखुचे, ये सब किपर भाव जिते पृथ्वी क्रिएट है से पृथ्वीर यह परिस्थित ना कि कौन थी किपर भाव ये स्थित को आसला से सब विषय आम देखा कौन है या विषय प्रथम ये जो सब थी सब तक कंटिनेंट थी सब तो कंटिनेंट मिसिकी गोटे कंटिनेंट थी जहाँ नाम था सुपर कंटिनेंट पैंजिया। ओके, तार नामकरण कौन करा से तो लोक मैंने कहीं रो ना कि तार किए नामकरण कर नाम एवं बर्तमान तार नाम कौन दि जाए पैंजिया। ओके, जे पृथ्वी सबुतक महाद्वीप मिसिकी गोटे महाद्वीप थी जार नाम था पैंजिया। ओके, पैंजिया ये सब तथ्य किए आमको प्रथम दे विषय में फास्ट जानवा नाम। ओके, अब्राहम ओर्टेलियस, अब्राहम ओर्टेलियस होंगे फास्ट वर्ल्ड मैप तैयार करते। वर्ल्ड मैप द्वारा तैयारी। ओके, क्या द्वारा? अब्राहम ओर्टेलियस जो वर्ल्ड मैप तैयारी कले कौन जना पड़ा जना पड़ा जो नॉर्थ, सॉरी साउथ अमेरिका और आफ्रिकार ये जो साउथ अमेरिका और आफ्रिकार स्ट्रक्चर जदि एकाठी करदे आमको गोटे परिका जना पड़े से फ्यूचर में लगिकी बोले जना पड़े जपरिक साउथ अमेरिकार ये जो पार्टा आफ्रिकार ये पार्टी बिल्कुल फिट हो। ओके, से आमको यहपरी लगे तेणु से कौन कले तथ्य देले कि निर्दिष्ट तथ्य देले ना कि जोर करें कि प्रथम कहते मेमी पृथ्वीर सब महादेश केबे ना केबे लागिकी रहिबार संभावना रही थाई पारे किंतु पर आज जन आसे जहाँ को कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी श्रेय दि जाए जे से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रथम प्रेजेंट करते ना है जर्मन मेट्रोलोजिस्ट जर्मन पाणीपागविद पाणीपाग विज्ञानी वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर। वैगनर थिले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जनक। ओके, जो से कौन जर्मन मेट्रोलोजिस्ट अल्फ्रेड वैगनर होती कॉन्टिनेंटल थ्योरी से आमको देखते कॉन्टिनेंटल थ्योरी से होती जनक इन्वेंटर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, ये थ्योरी कहा द्वारा दिया गला जे जर्मन मेट्रोलोजिस्ट अल्फ्रेड वैगनर। ओके, से थिले कौन मेट्रोलोजिस्ट बा क्लाइमेटोलोजिस्ट, से कौन करते सब देश देश बुलिकी सब महादेश गुड़िक बुलिकी क्लाइमेट विषय रिसर्च करुले कारण से पानीपाग वैज्ञानिक थे पानीपाग विशेषज्ञ थे
तेणु से कौन करते सब एरिया बुली 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 सर्च करते रिसर्च करते पापाग केमी भाव में बदलू कौन पापाग विषय ज्ञान आहरण करने से बुलूते कि बुलू 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 से कौन सब विभिन्न प्रकार तथ्य पाइले जे यही सब जो कंटिनेंट्स देखिले बुली बुली सब आड़े बुली बुली कौन पाइले जे साउथ अमेरिका निश्चिंत भाव में केवे ना केवे आफ्रिका सहित लगे रही वग्नर हिसाब से निश्चिंत भाव या सहित फिट होके आई नॉर्थ अमेरिकार पार्ट क्या सहित फिट हो मुझे मैपटा ठीक से करपरि कि फिट कले ये यूरेसिया सहित यूरेसिया मीन हूँ एशिया एंड यूरोप मिसिकी यूरेसिया सहित फिट हो तेणु से आसिकी थ्योरी देवा आरंभ कले ओके लगला जे सब जोड़ी है कि अच्छा या से बहुत सारा एविडेन्स एविडेन्स आम देखा आगे ओके से आसिकी थ्योरी दे कौन थ्योरी देने से थ्योरी है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आम से कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एवं देखा कौन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कहले अल्फ्रेड वाग्नर मिलियन ईयर ईयर एगो आजिकल नुह 2000 मिलियन ईयर एगो आम वर्ल्ड रे एक गोटे सुपर कंटिनेंट थिला जहाँ को कहते कौन कहते पांजिया बोली कहते सुपर कंटिनेंट रा ना से कौन देले पांजिया सुपर कंटिनेंट से कहले सब तो कंटिनेंट मिसिकी गोटे बड़ कंटिनेंट थी गोटे बोली कंटिनेंट थी तार नाम हूँ पांजिया ओके आउ कंटिनेंट तो थी सब भाग कौन ये सब तो किसी ना कि थी ये सब कौन थी वाटर बॉडी ओके ये सब थी वाटर बॉडी ओके से वाटर बॉडी को से कौन कहले सुपर ओशन ओके वाटर बॉडी को से कहले वाटर बॉडी रा नाम देले पांथालासा एवं कंटिनेंट रा नाम देले पांजिया पांजिया हैला सुपर कंटिनेंट पांथालासा हैला हमर वाटर बॉडी ओके ए जो पांथालासा ए पांथालासा रु हमर आजिर पैसिफिक ओशन अंटार्कटिक ओशन इंडियन ओशन आर्कटिक ओशन जति कि महासागर सागर रहिछ सब सिंधि पांथालासा रो अंतर पांथालासर अंश पांजियार अंश हूँ आम आज कल जो बसवास करम जो कंटिनेंट एशिया कंटिनेंट आफ्रिका कंटिनेंट ये सब हूँ पांजियार ओके पांजियार अंश विशेष ओके नेक्स्ट देखा तापर कौन है धीरे धीरे पांजिया मझीरू छिड़ा लगे मझीर से अलग होगा लगे कौन ड्रिफ्ट थ्योरी कंटिनेंट गुड़िक गति कर थ्योरी तेणु कंटिनेंट गुड़िक गति कर गति कला कौन को रिजिन बसत पांजिया मझीर टूटिला से रिजिन दे वाग्नर कौन कौन रिजिन दे देखा वाग्नर हिसाब से रिजिन कौन थी कंटिनेंट जो टूटिला रिजिन दे ग्राविटेशनल फोर्स अफ सन सन जो ग्राविटेशनल फोर्स रही जो कारण सब ग्रह उपग्रह आउ नक्षत्र सब ग्राविटेशनल फोर्स रही महाकर्षण शक्ति सब रही से शक्ति बल अलग पांजिया टूटी थी से कहले ओके से कौन रिजिन दे फास्ट दे ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ओके सन ग्राविटेशनल फोर्स जो टूटु थी से कहले सेकेंड कौन दे टाइडल फोर्स ये फास्ट रिजिन सेकेंड रिजिन दे टाइडल फोर्स थर्ड रिजिन हूँ बायोएंस सी यार अर्थ हूँ कौन बायोएंस अफ द सी अर्थ हूँ जलर जो गोटे जगार आ गोटे जगह को फ्लोट कर बोही नाकू जो शक्ति जो आबिलिटी था बायोएंस अफ
द सी कहिथाय ओके एही परि भाबरे तीनटा जक रीजन देले फर्स्ट हला आपण देखियो रीजन जक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन सेतबे आपण सन रो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहिछि महाकर्षण शक्ति सो महाकाशीय जिनस गुड़िक महाकर्षण शक्ति रही है शक्ति बल में प्यांजिया दुई भाग में विभक्त होगा कौन देखे टाइडल फोर्स से कौन कहला पैसिफिक ओशन जो आज जो एक्जिस्ट कर चंद्रमा ओके कहुए चंद्रमा हूँ पृथ्वी अंश कत वैज्ञानिक मान से मत थी तेणु चंद्रमा पृथ्वी अलग होते चलीगला से चंद्रमार जगार प्रशांत पा भरीगला प्रशांत महासागर हो गला चंद्रमा बहुत पाखे आम सॉरी आम पृथ्वी बहुत पाखे एयर्थ ओके पाखे हेतु तार महाकर्षण शक्ति बहुत अधिक पृथ्वी उपर तेणु टाइड अधिक जोर होता ओके टाइड हवा जो कौन है जे पैंजिया दुई भाग में विभक्त है कि वाग्नर हिसाब से ये सब है ओके कौन है बायोएंस ऑफ द सी सी गोटे समुद्र जो स्खलित करके अलग करके भसई भसई नबार शक्ति पानी बायोएंस ऑफ द सी कह जाए से पावर अनुसार वाटर फोर्स अनुसार यह अलग है कहगला कितु क्वेश्चन उठिला जो जदि ए रिजिन वाग्नर दौरान कौन सूर्यर महाकर्षण शक्ति बल में गोटे भूमि को से अलग करते शक्ति सूर्य पाखे ना कि से ग्राविटेशनल पावर कंटिनेंट को भसई भसई नहीं गला कौन को छोट पिंडुला फिंडुला जो कौन नहीं था मट्टी पिंडुला मे भी विश्वास करता कि कंटिनेंट एत बड़ एरिया को से भसई नहीं पार ना तेणु रिजेक्ट कर दिगला फर्स्ट रिजिन को सेकेंड है टाइडल फोर्स ओके टाइडल फोर्स कौन हुए एवं टाइडल फोर्स रही टाइडल फोर्स वाटर उपर प्रभाव पकाए कि कंटिनेंट उपर भूमि उपर से कौन से प्रभाव पक ना वाटर को से एमती रखी उड़े कि हावे उड़ेदेव वाटर को मैं उड़े पारे कि मात्रा से वाटर को फुले दिए जो टाइडल फोर्स टाइडल एनर्जी पढ़ा से डिस्क्रिप्टिवली जाना टाइड किपर आसे कौन हुए ओके टाइड पानी को किसी मात्रा उठे दिए कि कंटिनेंट उपर कौन प्रभाव पकई पारे ना तेणु टाइडल फोर्स रंग साबित होगा बायोएंस ऑफ द सी सी जो पावर तार एत पावर ना कि सब अलग करके रिजन गुड़िक सब कहीं मान लें ना से टाइम जो बड़ बड़ स्कॉलर मैंने से सब जिन मान लें कि थ्योरी ठीक था रिजन भूल था ओके नेक्स्ट देखिए थ्योरी आउ कौन था ये है पैंजिया को दुई भाग में विभक्त कर दिले ओके पैंजिया जो टूटा से इक्वेटर मैंने इक्वेटर रिचो बीच से ही पैंजिया दुई भाग में विभक्त है ओके तार नॉर्थ वाला साइड को कहला अंगारा लैंड साउथ वाला साइड को कहला गोंडवाना लैंड नॉर्थ वाला को कहला अंगारा लैंड बा लूरेसिया लूरेसिया या भीतर आजिकल कंटिनेंट जब देखा ये लूरेसिया रे बा अंगारा लैंड रे कौन कौन रही एशिया यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ओके तापरे साउथ वाला जो पैंजिया रा साउथ वाला कौन कौन है गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड ओके गोंडवाना लैंड कौन कौन रहा कंटिनेंट सब रहा ये है साउथ अमेरिका ये है आफ्रिका इंपोर्टेंट देखिए आफ्रिका ये है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मध्य गोंडवाना लैंड पार्ट थी ओके अंटार्कटिका देन मोस्ट इंपोर्टेंट आवर इंडिया ओके नाउ नाउ जदि हम इंडिया को खोजा तो हमें कौटी पाइबा नॉर्थ ओके दिस इज आवर इंडिया
नॉर्थ रे आमर इंडिया को आमे पाइबा ई हला आमर इंडिया किंतु आमे केबे चिंता मध्ये कर परबा नहीं जहां वर्तमान एशिया कॉन्टिनेंट सहित जोड़ी हे कि रहिछि बिल्कुल ही नॉर्थ रे अछि ताहा केबे हेले जाई अंटार्कटिक कंटिनेंट सहित जोड़ी है कि थिबो साउथ रे गोंडवाना लैंड रो हिस्सा है थिबो ओके आमे नॉर्मली जदि न पढ़ी भाभी दवा तले इंडिया को आमे एशिया को एशिया रोड पार्ट इंडिया तेणु आमे नॉर्मली इनको अंगारा लैंड रो पार्ट ही भाभी दवा किंतु से अंगारा लैंड रो पार्ट नुहे से होची कहार पार्ट गोंडवाना लैंड रो ता माने माने जते घुंची 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 सब अलग है जदि इंडिया सब ठारु अधिक दूरी तय करिछि अधिक दूर से दौड़ी दौड़ी जाइ डायरेक्ट एशिया सहित मिसी ओके यही भाई भाव में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड दुटा पार्टे एशिया दुटा पार्टे डिवाइड है डिवाइड है नॉर्थ को आम कह अंगारालैंड साउथ को आम कह गोंडवानालैंड ओके दुटा को डिवाइड है यह मझे जो शैलो एरिया सृष्टि पांथलासर पा भरीगला ओके भरी जाब खाली स्थान हम पा भर ओके भाव में या भितर पांथलासर पा भरीगला पांथलासर पा भरीगला ताको आमे कहले जो सेलो सी सृष्टि हला से सेलो सी को कहले टेथिस सी ओके एठरे गोटे सेलो एरिया सृष्टि हला ए सेलो सेलो माने होची मतलब कम गातुआ एरिया गोटे सृष्टि हला से एरिया रे पानी भरि गला से एरिया हला टेथिस टेथिस सी ओके टेथिस सागर एई परि भाबे रे पांजिया 2000 विभक्त है कि ए सब सृष्टि ओके आंतु ये प्रोसेस ये जो रिजन अनुसार जो जो रिजन से देले से जो टाइडल फोर्स की जहाज बंद हबार ना अनवरत भाव चली आसी ओके तेणु ये सब आहरी डिविजन 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 तर है डिविजन कौन है यार डिविजन है आफ्रिका ठार् साउथ अमेरिका अलग होगा साउथ अमेरिका यही गला आफ्रिका ओके ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ठारु अलग है कि ठीक चली गला इंडिया सब ठारु एठे रहले हमरा मडागास्कर इंडिया पाखरे सॉरी आफ्रिका पाखरे एठे ना मडागास्कर गोटे द्वीप आफ्रिकार गोटे द्वीप ओके एठारु इंडिया एठारु अलग है कि दैकि एशिया सहित मिसी गला एवं साउथ अमेरिका या ठारु अलग है गला का ठारु यूरेशिया ठारु ओके एपरि भाव में परस्पर परस्पर ठारु अलग है कि विभिन्न प्रकार महादेश आजिकार कंटिनेंट क्रिएट कले ओके या बाद ए सब जिनस हमको बहुत सारा जिनस मिलला ए सब तो है कंटिनेंट गुड़िक रिजिन तो से जहाँ भूल भाल देले देले बाद आम तर रिजिन खोजी से हूँ आउ गोटे क्लास से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन पर एक्चुअली कंटिनेंट गुड़िक परस्पर ठार अलग ओके यार ये जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट है कंटिनेंट गुड़िक परस्पर ठार अलग घुंचले या द्वारा आम कि जिन पाइले आम कौन कौन पाइले देखा फास्ट पाइले फोल्डेड माउंटेन ना कि इम्पोर्टेंट मोस्टली ही आम फोल्डेड माउंटेन ही इम्पोर्टेंट ओके फोल्डेड माउंटेन आम द्वारा पाइले ओके या बाद एठी हला आमर तो थ्योरी थ्योरी को आम पाइबा से थ्योरी पूर्व ही आम देखले जे आटलांटिक ओशन सेप एस परिका मुझे मैप ठीक से तैयारी कर पारनी किंतु आटलांटिक ओशन सेप जदि आम एबे देखिबा एस परिका ओके यार सेप को देखिकी ही लागुथिला जे साइंटिस्ट मन को यह जोड़ी है कि थिला बोली ए आटलांटिक ओशन बीचो बीच एक मिड आटलांटिक रिज जाइछि ओके आटलांटिक ओशन पढ़िले ता भीतर डिस्क्रिप्टिवली जानिए ओके ये मिड आटलांटिक रिज पाइले क्या द्वारा ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द्वारा आप कौन पाइले फोल्डेड माउंटेन है इंपोर्टेंट केमी भाव में फोल्डेड माउंटेन पाइले फोल्डेड माउंटेन कौन कौन पाइले ये आम रकी एपटे देख सब वेस्ट पटे ही मिलूँ ओके ये पटे आमर आंडीज एपटे अलग ये आम हिमालय प्यारा हिमालय ओके यहीपरी भाव में आहर अच्छे अनेक अनेक इम्पोर्टाट एति एपट अच्छे आटलास ओके आफ्रिकार यहीपरी भाव में विभिन्न प्रकार फोल्डेड माउंटेन आम पाइले
फोर्डर माउंटेन आम किप भावी ओके देखा ये हला आफ्रिका ये हला साउथ अमेरिका ग्रीन वाला हला आफ्रिका ब्लैक वाला हला साउथ अमेरिका जिते बड़े ब्लैक वाला और ग्रीन वाला जोड़ी है कि अच्छा ओके ये पेंजिया जोड़ी थी अंगारलैंड सरी गंडोना लैंड भी जोड़ी अच्छा जिते सेपरेट होपरेट होगा बेले कौन हुए जदि गोटे जिन सेपरेट हो गए जिनस जो पार्टा सेपरेट हो पार्टा उठी जाए जो पार्टा सेपरेट हो नहीं से कौन हुए दबी जाए ओके आफ्रिका ठार साउथ अमेरिका जो अलग है अलग है यह नईला सब विभिन्न प्रकार बर्ज्यवस्तु जो नदी समुद्र बर्ज्यवस्तु सब भरी रही सब कौन या देहर जमी थी से उठीगले मतलब जो सेडिमेंट्स गुड़िक सब से रखी थे से सब उपरको उठिकी ये मंगिल पर्वत निर्माण करके भाव में आ हिमालय अमर किपर भाव में निर्मित होती हिमालय निर्मित होते बड़े आम हिमालय पढ़ा से देखा ओके यहीपर भाव में आमको ये सब जिन मिलला आउ सिद्धांत आउ कौन थी से कंटिनेंट गुड को कंटिनेंट नाम दे जो कंटिनेंट गुड़िका देखुचे बर्तमान से कंटिनेंट गुड़िकर नाम कौन दे सियर ओसेन गुड़िकर नाम दे सीमा ओके कंटिनेंट गुड़िकर नाम दे सियर एवं ओसेन गुड़िकर नाम सियर सॉरी कंटिनेंट गुड़िकर नाम सियर एवं ओसेन गुड़िकर नाम सीमा किंतु वर्तमान सियल और सीमार डेफिनेशन अलग ओके आम से पढ़ीचे अलरेडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ रे से सब देखीजे ओके किंतु सी यार नामकरण या कर दिले आ कोन कहथिले सीएल फ्लोटिंग ओवर ओवर सीमा सीएल सीमा ऊपरे तेरुची बा पहुरुची बा भासुची ओके से कोन कहथिले सीएल फ्लोटिंग ओवर सीमा ये जो कंटिनेंट गुड़िक ओसेन भासुची से कहते कि रियल से नुहे भासु ना से गुड़िक कारण ओसेन भी फ्लोर अच्छी ओसेन नुहजे पाताल मैग्मा बाहरी नुहे ओसेन भी फ्लोर अच्छी भाव में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी किए दे ओके सब आश्चर्य न कथा हूँ ये हूँ प्यारा इंडिया ओके जो प्यारा इंडिया आम देखुचे गंडवानालैंड पीरियड रे ओके ये गंडवानालैंड पीरियड रे ये हला लैंड एरिया ये भी लैंड एरिया समुद्र है कौन ये पैंथलासा बा जो वाटर बॉडी बर्तमान आम इंडिया रो ये हला नॉर्थ पार्टा ये जो नॉर्थ पार्ट आम देखुचे कौन नॉर्थ पार्ट आम बर्तमान प्यारा हिमालय देखुचे ओके किंतु से इमाजिन करना जे ये पार्ट्रे केवे समुद्र थिला बोली किंतु ए पार्ट रे हमर पूर्व समय रे गंडवानालैंड पीरियड रे ए पार्ट रे हमर समुद्र थिला आ जो पार्ट रे वर्तमान समुद्र अछि ओके जो पार्ट रे वर्तमान समुद्र अछि अरबियन सी बे ऑफ बंगाल आ इंडियन ओशन ए पेनिनसुलर पार्ट रे सते बने लैंड एरिया सहित ये जकड़की थिला ओके लैंड एरिया सहित ये मिसिकी थिला ओके यहा बिल्कुल ही गोटे आश्चर्यजनक मानते चाहिए ना विश्वास कर एरिया लैंड थिला ए एरिया ओसेन थिला बोली किंतु विश्वास करने को आमको पड़ी कौन पाए ना ए एरिया जो सब कोल कोल हूँ गोटे जिनस जहाँकि जीव गच्छ मुछ सब मरी जाए मटी तले पोती से किसी वर्ष पर कोल परिणत हो जाती आम इंडिया जो कोल सब मिली ये कोल सब गंडवानालैंड पीरियड रेत इंडिया गंडवानालैंड जेपरी वेस्ट बेंगल कोल मिली वेस्ट बेंगल रानीगंज ओके सी हमें गंडवानालैंड पीरियड कोल जो कोल की गंडवानालैंड पीरियड हिं या एवं या कि इंडिया जो छिड़ी से आसिकी आम एसी सहित मिसी से कोल को सहित धरिक आसी जो कोल को आम यूज करके भाव कोल कौट मिल अधिक इक्वेटर एरिया हूँ बर्षा एरिया ओके ये जो एरिया हूँ बर्षा एरिया बर्षा होगा जो ये जंगल अति सुंदर भाव में होती जंगल कौन सी बार्ड कि कौ कारणवशत के दबी जाए से दबी जा चक्कर यठार कोल गुड़िक अधिक मिलता है मुख्यतः इक्वेटर एरिया हिं कोल अधिक मिलता है मिलूँ
किंतु जदि हमको पोल एरिया रे कोन मिले पोल एरिया रे में कोल पाई थाए ए इला पोल एरिया रे कोल पाइबा थाने हा तो आश्चर्यजनक लागिबो ना कि कोल एरिया रे मध्ये सतेबेले एबे कोल मिलुची पोल एरिया रे हमें कोइला पाउछ किंतु पोल एरिया रे कोइला पाइबा संभव नय कारण बरफ जठरा छै सेठी वनस्पति ही किछ नाही गच्छ मुछ ही किछ नाही कोल हमें पाइबा कि परि तेनो एथुरु ही स्पष्ट होय जाय आगुरु ए एरिया सब आउ का खास सहित जोड़ी कि मे भी जठरे तापमात्रा एत भी कम ना से एरिया रे ही थिला छिंडी छांडी के आसिक अलग अलग है जोड़ी होती ओके यापर कौन है जेहेतु वाग्नर ए थियोरी देले ए थियोरी देला धीरे 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 समस्ते ट्रस्ट कले ना कौन गले क्रिटिसिजम है कहीं विश्वास कले ना तुम एविडेन्स आण जदि यहपर तथ्य दौते से गोटे सुपर कंटिनेंट थी पेंजिया पेंजिया अलग है पेंजिया अलग है सब स्टोरी है तुम तार प्रमाण आण तेणु से कौन कले प्रमाण खोजे लगे थे तो मेट्रोलोजिस्ट काम कुआ से कुआ चलीगले ओके प्रमाण आने चक्कर से घूरी बुलिले कौन कौन प्रमाण आने कौन है देखा फास्ट से देखे फिजिकल फिचर फास्ट तो एविडेंस ओके फिजिकल फिचर जैसे मुझे देखी साउथ अमेरिका आउ आफ्रिकार फिजिकल फिचर जदि देखा गोटे प्रकार रही मिसी जाऊँ या कौन कहले जिक्स फिट यार नाम से कौन देते जिक्स फिट से दर्शाइले ओके जिक्स फिट द्वारा कौन दर्शाइले जे साउथ अमेरिका आफ्रिका सहित जोड़ी हुई थी ओके यूरेशिया पार्ट नॉर्थ अमेरिका सहित जोड़ी हुई थी ओके ये होला यूरेशिया यूरोप आउ एशिया यूरेशिया पार्ट नॉर्थ अमेरिका सह जोड़ी होता है ये सब जोड़ा जोड़ी हो रही थ्योरी को कौन तरह नाम देते हैं जिक्स फिट ओके से कही फिजिकल फिचर अनुसार परस्पर सहित समस्त जोड़ीला जना पड़ती ओके नेक्स्ट एविडेंस कौन थी रॉक ऑफ सेम एज से जो ये नॉर्थ अमेरिका बर्तमान नॉर्थ अमेरिका अलग हो यूरोप बा यूरोप एशिया एरिया ओके ये दु जन बर्तमान अलग 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 ओके ये गोटे हॉरेसियन माउंटेन रही ओके कौन रही हॉरेसियन माउंटेन जहाँकि यूरोप हॉरेसियन माउंटेन एंड मुझ चित्र मैप ठीक से आंकी पारुनी मैपटा लिखे दीजिए ओके हॉरेसियन माउंटेन एंड कैलाडोनिया माउंटेन को माउंटेन कैलाडोनियन एंड हॉरेसियन माउंटेन ऑफ यूरोप यूरोप रिटा माउंटेन जो रॉक फॉर्मेट रही जो रॉक रही से रॉक सब को पीरियड रे एठे रहछि अपलाचियन माउंटेन ओके को माउंटेन अपलाचियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका ओके ऑफ नॉर्थ अमेरिका रा अपलाचियन माउंटेन एवं कैलाडोनिया हॉरेसियन माउंटेन ऑफ यूरोप ए जो रही माउंटेन दीटा का गोटे समय रे गोटे माउंटेन बीच रु अलग अधा अधा यूरोप रही है जोड़ीदबा पूरा सेम रॉक फॉर्मेट सेम जहाँ तार पत्थर जो पहाड़ रही पत्थर सब फीचर्स मैच करके जाना जाए जो पत्थर सब सेम एज रही तेणु यह बहुत काल रे अतीत काल रे गोटे पहाड़ हो थिले ओके सेकंड एविडेंस थिला थर्ड एविडेंस कौन देखले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फॉसिल माने हला कोन देहावशेष जो देहावशेष विभिन्न प्रकार जंतु मानकर देहावशेष से कौन देखिले
ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଥିଲା ମେସରସ। ମେସରସ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେପ୍ଟାଇଲଟେ ଥିଲା। ରେପ୍ଟାଇଲ ମାନେ କ'ଣ, ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତିର ଥିଲା। ଓକେ, କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମେସରସ କ'ଣ ହେଲା, କୋଉ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ଇଏ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ଏଇ ବ୍ରାଜିଲ ଏରିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ଏ ବ୍ରାଜିଲରେ କ'ଣ ମେସରସର ଦେହାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରାଜିଲରେ। ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏରିଆରେ, ଆଫ୍ରିକାର ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ଇଷ୍ଟରେ ଏହାର ଦେହାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁଟି, ଇଏ କ'ଣ ଲୁଣି ପାଣିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସାଲାଇନ ୱାଟରରେ ଇଏ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଭଲ ମଧୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ଓସେନ, ଏଇଠି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ଓସେନ, ଯେହେତୁ ସାଲାଇନ ୱାଟର, ସାଲାଇନ ୱାଟରରେ ଏଇ ଜନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିବ, ଏଇ ରେପ୍ଟାଇଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିବ। ତା ମାନେ ଏହା ଅତୀତରେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିବା ହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ତାର ଫୋସିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଲୁଣା ପାଣିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସାଲାଇନ ୱାଟରରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ଓସେନ ଦେଇକି ଆସିପାରି ନଥିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ଲେସର ଡିପୋଜିଟ, ଲାଷ୍ଟ ରିଜିନ ତାଙ୍କର, ସରି ଲାଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ଲେସର ମିନେରାଲ୍ସ ବା ମେଟାଲ୍ସ। କ'ଣ ହେଲା, ସୁନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମିନେରାଲ୍ସ ଯାହାକି ଆମକୁ କୌଣସି ଖଣି ମଣି ଏମିତିରେ କମ୍ ମିଳେ, କ'ଣ ମିଳେ, ଧୂଳି ମାଟି ସହିତ ମିଶିକି ସୁନା ରହିଥାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି ସୁନା ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ପୃଥିବୀର 50% ସୁନା ଆମେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପାଇଥାଉ। ଓକେ, ଆଫ୍ରିକାର ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲେସର, ପ୍ଲେସର ମାନେ ଧୂଳି ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସରି ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲେସର ଗୋଲ୍ଡ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଠି ସେମ୍ ମିଳୁଛି, ସେମ୍ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆମକୁ ଯୋଉ କୋଲ୍ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ କୋଲ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ଆମେ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛେ। ମାଡାଗାସ୍କର, ଆଫ୍ରିକା ପାଖରେ ରହିଛି ମାଡାଗାସ୍କର, ମାଡାଗାସ୍କରର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ସଏଲ ଯାହା ବି ରହିଛି, ତାହା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ବା ଆଫ୍ରିକାର ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆଗରୁ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଇକି ଥିଲେ। ସେ ଥିଓରି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଲେ କି ୱାଗନର, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ରିଜିନ୍ ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏତେ କାଫି ନଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍କଲାର ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ରିଜିନ୍ ପ୍ରପର୍ ଦେଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ବାଦରେ ଆମେ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ସତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଉଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆମର ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଥିଓରି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଥିଓରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।